एक बात तो तय है कि जब ये बनकर के तैयार हो जाएगा तो लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा और लोग यहाँ पर आएंगे काफी दूर दूर से, वैसे भी आते हैं, लेकिन अब एक और कारण होगा यहाँ पर आने का लोगों का, और जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा, टूरिस्टों का जो रुझान है वो यहाँ पर बढ़ेगा। खुशी हो या कम, बढ़ते जाए कदम, ना थके आप और ना थके हम, बिहार के विकास की गाथा आप तक पहुंचाते हैं। उसी कड़ी में हम आ गए हैं बिहार के वैशाली जिले में। अगर आप कहीं से भी आते हैं तो इसी मार्ग से इस जगह में प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये बाउंड्री है उस म्यूजियम का जिसका निर्माण चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरिया है काफी बड़ा एरिया है जहाँ पर इस म्यूजियम का निर्माण चल रहा है। इस म्यूजियम का नाम बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा होगा जब ये बन जाएगा। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका हम समय समय पर कई बार आपको अपडेट दिए हैं। ये बाउंड्री पहले खुला हुआ नहीं था लेकिन अभी काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ है तो ये खुला हुआ है, और अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर का ही काफ़ी काम, बहुत तरह का काम अंदर ये चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर है वैशाली जिले में बन रहे, वैशाली में बन रहे बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा का। इसके बन जाने से टूरिस्टों का जो आवागमन है, टूरिस्ट का जो आवागमन बढ़ेगा, ये तो तय सी बात है। ये देख सकते हैं ये काफ़ी पावन भूमि है जहाँ पर इसका निर्माण चल रहा है। अगर आप वैशाली में आते हैं और बिहार टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर जो बोर्ड है तो बुद्ध अस्थि कलश स्तूपा यहाँ से आपको थोड़ी दूरी पर है इस तरफ, उसके बाद विश्व शांति स्तूपा इस तरफ है, जब हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभिषेक पुष्करणी ये सामने आपका है, इसका चारों चक्कर अभी हम मारेंगे। पुरातत्व संग्रहालय यहाँ पे, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम थोड़े थोड़ी से आगे है उस तरफ है, ये है, ये खरौना जगह है जहाँ पर ये सब कुछ स्थित है और जहाँ पर ये आपका म्यूजियम बन रहा है इस बाउंड्री के पार, जिसकी तस्वीर हमने उधर से आपको दिखाई है। अब फिर चक्कर मारेंगे, चक्कर मार के फिर हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएंगे। तो यही है, यह नौका बिहार के लिए ये जगह काफ़ी अच्छा है, लेकिन पानी के कमी के कारण यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और चक्कर मारेंगे तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या है। यह है आपका इस्तूफा, यहाँ पे स्थानीय लोग तो आते ही हैं विजिट करने के लिए, दूर दूर से भी आते हैं, विदेशी पर्यटकों का भी यहाँ पे काफ़ी आना जाना है, तो ये एक आकर्षण का केंद्र है। यहीं पर ये पौंड भी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये तालाब है, ये तालाब है, यहाँ पे लेजर लाइट शो के लिए भी बहुत कुछ वहाँ पे बनाया गया है। इसे डेवलप तो किया गया है, इसे तालाब को अभिषेक पुष्करणी कहते हैं इसको। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेजर लाइट के लिए यहाँ पे ये सब लगाया गया है, और नेचुरली है कि इससे खूबसूरती जो है यहाँ की बढ़ेगी और नाइट में यहाँ का जो दृश्य होगा वो काफ़ी मनमोहक होगा, मनभावन होगा। लेकिन पानी के कारण, पानी तो है लेकिन उतना नहीं है जितना इसमें होना चाहिए। ये देख सकते हैं ये पूरे तालाब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, म्यूजियम के साथ साथ आपको यहाँ की भी तस्वीर हम आपको दिखाने को, इसका सब रीडेवलप किया गया है, नया बनाया गया है ताकि पर्यटक यहाँ पे आए और यहाँ का आनंद लें। एक बार बताइए, जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो मेरा मन जो है काफ़ी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना शांति है जिसका वर्णन करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी शांत जगह है ये और चारों तरफ हरियाली है। तो वैशाली के इस शांत वातावरण में कोयल की आवाज़ काफ़ी मनमोहक लग रही है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अभी हम बढ़ रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे म्यूजियम का निर्माण चल रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी दिनों के बाद आना हुआ है तो थोड़ा सा घूम लिए हैं और हम चल रहे हैं उस तरफ, आपको दिखाते हैं उधर की तस्वीर। पर्यटकों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है और आकर्षण का केंद्र है, यहाँ पे कई चीज़ें हैं जिसके दर्शन के लिए दिया है इन्होंने, और जिनका काम चल रहा है वो आप देख सकते हैं कि इधर मिट्टी को
रास्ता है और मिट्टी को समतल करने का काम इनका यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने घेर दिया है और वैसा कोई चीज़ जो है यहाँ पर ये नहीं है। मिट्टी को समतल किया जा रहा है, करने का काम चल रहा है। और ये पूरा जो एरिया है, हम आपको बताते हैं, 72 एकड़ एरिया में इस म्यूजियम का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यही एरिया है जहाँ पर ये सारा काम चल रहा है। ये हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें होंगी यहाँ पर, और जो स्ट्रक्चर है इनका वो बन रहा है। ये पत्थर है, इसी पत्थर से यहाँ पे आगे में निर्माण चल रहा है। ये देख सकते हैं जो काम इनका चल रहा है वो है, इस तरफ भी कुछ निर्माण हुआ है। पिछले बार आए थे तो वैसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा था। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर वहाँ पर दिख रहा है। ये देख सकते हैं कई निर्माण यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इसके जो वहाँ पर उस क्रेन की मदद से वहाँ पर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काम इनका जो है चल रहा है और कई चीज़ें जो है बन करके तैयार हैं और कई चीज़ें बन रही है। ये हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई चीज़ें इनका बन रहा है, बन चुका है और कई चीज़ें बन रहा है। ये देख सकते हैं ये सब स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर बन करके तैयार है और कई चीज़ें यहाँ पे इनका बन रहा है। 6960 किलो जो एरिया है ये, जिसमें ये म्यूजियम का निर्माण चल रहा है। ये देख सकते हैं कि इनका म्यूजियम का निर्माण चल रहा है। ये आपका ये है और इस तरफ जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इसका पुराना वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इनका डेवलपमेंट हुआ है। कई डेवलपमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है हुआ है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी चिकनी है, ज़रा सा पानी पड़ने के बाद वो स्लिप करने लगती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इनका जो काम है, ये जो हुआ है वो और जो चल रहा है वो आपके सामने है। ये देख, ये सब म्यूजियम है, ये एरिया है जहाँ पे इनका काम चल रहा है। कई चीज़ें आपको जब आएंगे, इनका प्रस्तावित था ये 2013 में, 19 में ये काम शुरू हुआ और अभी 2023 चल रहा है और ये जल्द ही बन करके तैयार होगा। लगभग 315 करोड़ रुपये इसकी लागत आने वाली है और ये एक काफ़ी जो अनूठा चीज़ बिहार में बन रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने है। तो पटना से चलकर हम आपके लिए वैशाली की इस धरती पर आए हैं और ये वो चीज़ है जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचाने के लिए आए। हमेशा बोलते हैं खुश हो है गम बढ़ते जाए कदम, ना थके आप और ना थके हम। तो बिहार के विकास की ये गाथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन दिन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार। इस तरह का इसका डिजाइन होगा जो आपको अंदर में बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं जो आपको अंदर में बनाया जा रहा है। शाहपुर जी पालन जी इसका कॉन्ट्रैक्टर है और कब तक ये बनकर तैयार होगा ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि काम अभी बहुत ही बाकी है।